गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.9 फ्रॉम 20 क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। नाउ प्रूव दैट 10 5x प्लस 10 3x अपॉन 10 5x माइनस 10 3x, 4 cos 2x cos 4x की इक्वल हमें प्रूव करना है। तो 10 को हम लिख सकते हैं ना साइन अपॉन में कोस, क्योंकि हमें कोस के फॉर्म में चाहिए राइट हैंड साइड में। तो 10 को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, साइन अपॉन में कोस। साइन 5x अपॉन में कोस 5x प्लस में साइन 3x अपॉन में कोस 3x अपॉन में, इस 10 को भी लिखेंगे साइन 5x अपॉन में कोस 5x माइनस साइन 3x अपॉन में कोस 3x। यहां से ऊपर से एलसीएम कितना आ गया, कोस 5x कोस 3x, ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई साइन 5x की किसके साथ है, कोस 3x प्लस साइन 3x की किसके साथ हो गई, कोस 5x। सेम जो डिनोमिनेटर है उसमें भी एलसीएम क्या आ रहा है, कोस 5x कोस 3x साइन 5x कोस 3x माइनस साइन 3x कोस 5x। अब ऊपर देखो, ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये टर्म ऊपर, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, सीधा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके अपॉन में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, प्लस वाला किसका होता है, साइन ए प्लस बी का, एंड माइनस वाला किसका होता है, साइन ए माइनस बी का। ए की जगह पे 5x, बी की जगह पे 3x, सो साइन ए प्लस बी 5x प्लस में 3x, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, नीचे किसका बन गया, साइन ए माइनस बी का, ऊपर हो गया साइन 8x और नीचे आ गया साइन 2x। अब मैं साइन 8x को क्या लिख सकती हूँ, हमें तो अपॉन में कुछ भी नहीं चाहिए यानी कि कैंसिल होगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू में 4x अपॉन में साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला खोल देंगे, क्या होता है, 2 साइन x cos x, 2 साइन 4x cos 4x अपॉन में साइन 2x। फिर से मैं 4x को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू में 2x, 2 इसको लिखूंगी मैं साइन 2 इंटू में 2x इंटू में कोस 4x, नीचे क्या है साइन 2x, 2 इंटू में साइन 2x का फॉर्मूला खोल देंगे, 2 साइन 2x कोस 2x इंटू में कोस 4x और नीचे क्या है साइन 2x, साइन 2x से साइन 2x कैंसिल हो रही, किसके इक्वल आ गया 4 cos 2x और कोस 4 cos 2x और cos 4x, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या किया है देखो हमने, 10 और सारे जो 10 की टर्म थी उसको किस में चेंज कर दिया, साइन और कोस में, एलसीएम लिया ये कैंसिल हो गया, ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी, नीचे बन गया साइन ए माइनस बी। फिर साइन 8x को मैं लिख सकती हूँ 2 into 4x, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, तो मीन्स नीचे वाले टर्म कैंसिल होगी तो ऊपर वाले को मैं चेंज कर सकती हूँ साइन 2 into 4x। साइन 2x का फॉर्मूला खोल देंगे 2 sin x cos x, फिर से 4x आ गया, 4x को भी हम तोड़ सकते हैं 2 into 2x, तो यहाँ से साइन 2x का फिर फॉर्मूला खोल दिया 2 sin x cos x और cos 4x, नीचे क्या है साइन 2x, साइन 2x से साइन 2x से कैंसिल हो गया और ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, साइन 5x माइनस 2 sin 3x प्लस में साइन x अपॉन cos 5x माइनस cos x प्रूव करना है 10x के इक्वल। यहां से मैं इस टर्म को और इसको एक साथ लिख रही हूँ, साइन 5x प्लस में साइन x माइनस में 2 sin 3x नीचे cos 5x माइनस में cos x, फॉर्मूला खोल देंगे साइन ए प्लस साइन बी, cos ए माइनस cos बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है 2 sin a + b / 2 cos ए माइनस बी अपॉन 2, 2 sin a + b 6x अपॉन में 2 3x cos ए माइनस बी 5x माइनस में x 4x अपॉन में 2 मीन्स 2x 2 sin 3x नीचे cos a माइनस cos b, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग था, क्या था माइनस 2 sin, या माइनस नहीं लगा रहे आगे तो लास्ट वाले में क्या करेंगे हमें 2 sin, cos वाला है साइन में चेंज होगा 2 sin a + b / 2 sin b माइनस a अपॉन 2, वहां पे b माइनस a भी कर सकते हैं और आगे हमें माइनस भी लगा सकते हैं, तो मैंने आगे माइनस लगा दिया माइनस 2 sin a + b / 2 यानी कि 3x, फिर साइन a माइनस बी 2x आ जाएगा, ऊपर से 2 sin 3x कॉमन आ रहा है, 2 sin 3x अंदर रह गया,
कोस 2x माइनस में 1, नीचे क्या है माइनस में 2 साइन 3x है, साइन 2x साइन 3x से साइन 3x से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब ये रह गया हमारे पास कोस 2x माइनस में 1 माइनस में साइन 2x, ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूं फिर ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस में कोस 2x का, 1 माइनस में कोस 2x, नीचे भी माइनस है माइनस से माइनस कैंसिल, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x कोस x। अब 1 माइनस कोस 2x का क्या होता है माइनस वाला साइन में चेंज होता है यानी कि और एंगल का हाफ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, नीचे क्या है 2 साइन x कोस x, 2 से 2 कैंसिल साइन से साइन, साइन अपॉन में कोस क्या होता है 10x, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 22 एंड हाफ डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे 22 एंड हाफ हमें पता है ना किस एंगल का हाफ होता है 45 का, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए अपॉन में 2 किसके इक्वल होता है ये प्लस माइनस 1 माइनस में कोस ए अपॉन 2, क्योंकि 1 माइनस कोस ए का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे एंगल ए है तो इधर आके क्या हो जाता है ए अपॉन 2 उसका हाफ हो जाता है, और माइनस वाला किस में चेंज होता है साइन में, तो 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, तो इसको क्या कर रखा है साइन ए बाई 2, साइन स्क्वायर ए बाई 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन 2, साइन ए बाई 2 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन ए बाई 2 का ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से 1 माइनस कोस ए अपॉन में 2, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब एंगल ए की जगह पे ए अपॉन 2 है, 22 एंड हाफ कब आएगा तब हम ए की वैल्यू 45 लेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूले में ए की जगह पे 45 पुट किया, 45 अपॉन में 2 कितना आ गया साइन 22 एंड हाफ प्लस माइनस 1 माइनस में कोस 45 अपॉन में 2, हमें पता है कोस 45 कितना होता है 1 अपॉन में रूट 2, रूट 2 एलसीएम लिया नीचे आ गया 2 रूट 2 और ऊपर बन गया रूट 2 माइनस में 1। अब मैंने क्या किया नीचे से रूट हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, ऊपर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस में रूट 2, नीचे 2 रूट 2 और इंटू में रूट 2, ये 4 बन गया रूट से बाहर आएगा तब 2, ऊपर रह गया 2 माइनस में रूट 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब हमें पता है 22 एंड हाफ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में क्या रहते हैं ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस, तो सो वैल्यू ऑफ साइन 22 एंड हाफ इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 अपॉन में 2। नाउ फाइंड आउट करेंगे कोस 22 एंड हाफ, कोस ए बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे किसके इक्वल होता है प्लस माइनस रूट 1 प्लस कोस ए बाई 2, क्योंकि प्लस वाला किस में चेंज होता है कोस में माइनस वाला साइन में, यहाँ से लगाएंगे ए की जगह पे वही 45 पुट कर दी 1 प्लस कोस 45 1 अपॉन रूट 2, एलसीएम लिया रूट 2 प्लस 1 और नीचे 2 रूट 2, नीचे से रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, और ये किसके इक्वल आ गया 2 प्लस रूट 2 अपॉन में 2, वही अब ये जो 22 एंड हाफ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में क्या रहते हैं 90 से कम वाले एंगल और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव, सो वैल्यू ऑफ कोस 22 एंड हाफ इज स्क्वेयर रूट ऑफ 2 प्लस में रूट 2 अपॉन में 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 135 गिवन हमें माइनस 1 अपॉन में रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 67 एंड हाफ एंड कोस 67 एंड हाफ, हमें पता है ना 130 का हाफ करते हैं तब क्या आता है 67 एंड हाफ, सेम फॉर्मूला यूज करना है साइन ए बाई 2 का एंड कोस ए बाई 2 का, नाउ साइन ए बाई 2 का यूज कर रहे हैं तो ये माइनस में चेंज होगा 1 माइनस कोस ए बाई 2 और ऊपर स्क्वेयर रूट, प्लस माइनस स्क्वेयर था तो यहाँ पे आगे प्लस माइनस, ए की वैल्यू 135 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 67 एंड हाफ प्लस माइनस 1 माइनस में कोस 135, इसकी वैल्यू हमें गिवन है माइनस 1 अपॉन में रूट 2, एलसीएम लिया रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2, अब 67 एंड हाफ 90 से कम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है सो वैल्यू इज पॉजिटिव, साइन 67 एंड हाफ किसके इक्वल आ गया रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2 और सब उसका ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, हम नीचे रूट को हटाने के लिए रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं सेम एज इट इज रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड। नाउ कोस ए बाई 2 वो किसके इक्वल होगा प्लस माइनस रूट 1 प्लस कोस ए बाई 2, ए की जगह पे 135 सेम एज इट इज, कोस 135 की वैल्यू हमें गिवन है 1 अपॉन में रूट 2, सोल्व किया ये किसके इक्वल आ गया सेम एज इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है सो वैल्यू ऑफ कोस 67 एंड हाफ इज रूट 2 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2 और ऊपर उसका स्क्वायर रूट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 72 माइनस में साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 8, हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूलेज में क्या था कि साइन 18 की वैल्यू निकाली थी वहां से वो कितनी आई थी रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 4,
साइन 18 के आने के बाद हमारे पास इन जो बचे हुए फॉर्मूले इनकी वैल्यू इजिली आ सकती है। कोस 18 की कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, वहां से हम कोस 18 की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी। अब साइन 72 ये कैसे निकाला था, साइन 72 को लिख दिया था 90 माइनस में 18, अब 90 माइनस थीटा चेंज हो गया 90 पे रेशियो चेंज कोस 18, ये किसके इक्वल है, रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 4, ऊपर क्या है उसका रूट। सेम एज इट इज कोस 72 को फिर से लिख दिया था मैंने 90 माइनस में 18, ये साइन 18 में चेंज हो गया और इसकी वैल्यू क्या है रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 4। सो कोस 36 इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर 18, एंगल का हाफ हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर 18, साइन 18 की वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू पुट की और सोल्व करने के बाद ये आ गया रूट 5 प्लस में 1 अपॉन 4। सिमिलरली साइन 36 कोस 36 आ गया यूजिंग फॉर्मूला साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, साइन 36 आ गया रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 4। अब साइन 54 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 36, 90 पे रेशियो चेंज मीन्स कोस 36 के, कोस 36 की वैल्यू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। सिमिलरली कोस 54 को फिर से लिख सकती हूँ 90 माइनस 36 और 90 पे रेशियो चेंज साइन 36 के इक्वल, और इसकी वैल्यू ऊपर से किसके इक्वल है रूट 10, रूट के अंदर 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 4। नाउ साइन स्केयर 72 माइनस साइन स्केयर 60 इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। साइन 72 की वैल्यू यहां से कितनी है रूट 10 प्लस में 2 रूट 5 अपॉन में 4, इसका ऊपर क्या है स्क्वेयर। अब साइन 60 हमें पता है ना रूट 3 अपॉन में 2, उसका स्क्वेयर करेंगे 3 अपॉन में 4, अब ये नीचे तो स्क्वेयर हो जाएगा और स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट ऊपर कैंसिल, 10 प्लस में 2 रूट 5 अपॉन में 16 माइनस 3 अपॉन 4, एलसीएम कितना आ गया 16, 10 प्लस में 2 रूट 5 माइनस में 4 4 जा और ये 12, ठीक है यहां से कितना आ गया माइनस 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 16, 2 कॉमन ले लिया अंदर रह गया रूट 5 माइनस में 1 और यही हमें प्रूव करना था, नीचे क्या है 16, ये कैंसिल हो जाएगा इससे रूट 5 माइनस में 1 अपॉन में 8, यही क्या हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस इसका यूज किया हमने साइन 72 की वैल्यू यहां से हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, साइन 18 की ध्यान रख के हम इन सभी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, साइन स्क्वेयर 72 माइनस में साइन स्क्वेयर 36 इक्वल टू रूट 5 अपॉन में 4, यहां से साइन 72 की वैल्यू कितनी है रूट 10 प्लस में 2 रूट 5, इसको एक बार सोल्व करके देखोगे इजीली हम वैल्यू निकाल सकते हैं, अपॉन में क्या है इसके 4, ऊपर क्या है इसका होल स्क्वेयर, माइनस साइन 36 की वैल्यू क्या है रूट 10 माइनस में 2 रूट 5 अपॉन में 4, इसका क्या है होल स्क्वेयर, यहां से इसका होल स्क्वेयर करेंगे नीचे कितना आएगा 16, ऊपर इसका स्क्वेयर करेंगे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, माइनस में सेम एज इट इज यहाँ पे 10 माइनस में 2 रूट 5 और नीचे कितना आ जाएगा 16, 16 क्या आ गया एलसीएम 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस में 10 प्लस में 2 रूट 5, 10 से 10 कैंसिल 4 रूट 5 अपॉन में 16 कितना आ गया रूट 5 अपॉन में 4, यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कोस स्क्वेयर 48 माइनस साइन स्क्वेयर 12 इक्वल टू रूट 5 प्लस में 1 अपॉन में 8, ये प्रूव करना है हमें। ये देखो फॉर्मूला किसका लग रहा है हमें, कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर बी, किसके इक्वल होता है ये कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो यहां से लगाएंगे हम कोस ए प्लस बी 48 प्लस में 12 और कोस 48 माइनस में 12 कितना आ गया यहां से कोस 60 और यहां से कोस 36, वैल्यू ऑफ कोस 60 इज 1 अपॉन में 2 इंटू में कोस 36 की वैल्यू यहां से कितनी है रूट 5 प्लस में 1 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई करेंगे इसके इक्वल आ गया 8 के, यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। क्या किया हमने एक फॉर्मूला यूज किया है कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी होता है कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी करने पे कोस 60 कोस 36 वैल्यू ऑफ कोस 36 इज रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4, सो ये किसके इक्वल आ गया रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 12 डिग्री साइन 48 साइन 54 इक्वल टू 1 अपॉन में 8, तो मैंने क्या किया देखो यहाँ पे तीन साइन साइन दे रखे हैं, तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था टू साइन ए साइन बी, इस टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे टू कोस ए कोस बी,
तो यहाँ से अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, साइन 48 को आगे, साइन 12 को पीछे और साइन 54 को अलग से, 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया किसका, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। कोस ए माइनस बी करने पे 48 माइनस 12 36, माइनस कोस ए प्लस बी करने पे 48 प्लस में 12 16। साइन 54 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, और वैसे भी इसको लिख सकती हूँ 90 माइनस 36, तो ये क्या इसमें चेंज हो गया, कोस 36। कोस 36 की वैल्यू होती है रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4। नाउ 1 अपॉन 2 कोस 36 की वैल्यू पुट कर दी, कोस 60 की 1 अपॉन 2, एलसीएम लिया 4, रूट 5 प्लस 1 माइनस में 2, यहाँ से इसकी वैल्यू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, ये सोल्व किया तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, रूट 5 प्लस 1 अपॉन में 4, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 जा 16 इंटू में 2 32, 1 अपॉन में 32, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोला कितना आ गया यहाँ पे 4, 4 को 32 से, 32 को 4 से काटेंगे 1 अपॉन में 8। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकंड पार्ट, साइन पाई अपॉन 5, साइन 2 पाई अपॉन 5, साइन 3 पाई अपॉन 5, साइन 4 पाई अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन में 16। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 पाई अपॉन में 4 को। इस टाइप के क्वेश्चन में हम आगे वाली जो टर्म होती है उन्हीं में चेंज करने की कोशिश करते हैं। फिर 3 पाई अपॉन 5 को मैं लिख सकती हूँ ना पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 5, सेम क्योंकि 2 पाई अपॉन में 5 आगे है टर्म। इसको क्या लिख सकती हूँ पाई माइनस पाई अपॉन में 5, पाई अपॉन में 5 वाली टर्म भी क्या है आगे, साइन पाई अपॉन 5 साइन 2 पाई अपॉन 5, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या रहता है पॉजिटिव, सो पाई पे नो रेशियो चेंज, साइन 2 पाई अपॉन 5, सिमिलरली साइन पाई अपॉन 5, तो इन दोनों टर्म्स का क्या होगा स्क्वायर, साइन पाई अपॉन 5 साइन 2 पाई अपॉन 5 का होल स्क्वायर। 180 अपॉन में 5 कितना होता है 36, यानी कि साइन 36 इंटू में कॉस 18 का होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ साइन 36 इज रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, वैल्यू ऑफ कॉस 18 इज रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 4, ऊपर क्या है होल स्क्वायर, अलग अलग खोल लेंगे, ऊपर इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस में 2 रूट 5, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे 16 इंटू में 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 16, यूजिंग फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 2 रूट 5 का स्क्वायर 20 अपॉन में 16 इंटू 16 256, नाउ 80 अपॉन में 256, सिंप्लीफाई करने के बाद ये किसके इक्वल आ गया 5 अपॉन में 16, यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, ये हुई हमारी एक्सरसाइज 3.9। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।